कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी 8 पेजेस की लिखी है जिसमें किसानों को तमाम तरह के आश्वासन दिए हैं। हालांकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन ये चिट्ठी कई ऐसी बातें इस वक्त दिखा रही है जिसमें एक भावनात्मक अपील भी किसानों से नजर आती है, तो वादों के रास्ते सुलह की कोशिश भी दिखाई देती है। हालांकि किसान वापसी पर अड़े हैं और सरकार बीच के रास्ते समाधान की मंजिल पर पहुंचने की कोशिश में इस वक्त दिखाई देती है। और आज एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में किसानों से बात करेंगे, लेकिन इन सब के बीच राजनीति में किस तरह से आरोप प्रत्यारोप दिखाई दे रहे हैं और इस चिट्ठी के आने के बाद क्या वाकई किसान समझते हैं या बातचीत का रास्ता खुलता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इस बीच ये चिट्ठी भी आई है जिसमें आश्वासन दिए गए हैं, आपको हम ये दिखा भी रहे हैं कि क्या क्या आश्वासन लिखित में इस वक्त कृषि मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर जमीन पर स्थायी बदलाव नहीं कर सकते, जो किसानों की चिंताएं थी जो अब तक की बातचीत में और तमाम डिस्कशंस में निकलकर भी सामने आया है। अस्थायी निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्टर लोन नहीं ले सकते। एमएसपी के लिए लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार है। एपीएमसी को लेकर सरकार ने कहा है कि मंडियां जो व्यवस्था पहले थी वैसे ही जारी रहेगी। और इस बीच आप ये अलग अलग तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि कृषि मंत्री का ये पत्र इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। किसान संगठनों के बीच भी इसे लेकर चर्चा जारी है। तो गुजरात के बाद अब प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के किसानों से बात करेंगे और 1600 करोड़ का एक पैकेज भी योजनाओं के जरिए उन्हें दिया जाएगा। और 23 दिन से आंदोलन कर रहे हैं सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठन। तो विपक्ष में कल दिल्ली विधानसभा में भी एक तस्वीर दिखाई दी जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कानून की कॉपी फाड़ दी। तीन नए कृषि सुधार बिल जो आए हैं वह किसान की हर समस्या का समाधान है। देश भर में किसान इसका स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, मुझे भी आकर मिल रहे हैं, लेकिन पंजाब में कुछ अनरेस्ट दिखाई देता है। उसके अनेक कारण हैं, लेकिन पंजाब की भी किसान यूनियन से हमारी वार्ता चल रही है और जल्दी समाधान निकलेगा ऐसी मुझे पूरी। जो किसान इधर पूरा दिल्ली घेर के बैठे रोड पर बैठे इतनी ठंड में, उनका सुनो बात सुनो भी क्या बोलना चाहते हैं, उनका मसला हल करो। अगर तो सरकार बातचीत करके हमारे साथ मोदी साहब पीएम बैठे बात करे, ये काले कानून को वापस ले जाए। जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं ऐसी कांग्रेस है या अन्य जो संगठन है, वो भी नहीं चाहते कि इसका समाधान निकले। इसलिए उन वो किसानों के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर निशाना साधना चाहते हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है जिस तरह से हमारी 6 दौर की वार्ता हुई है, किसान इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारे को इस आने वाली जो वार्ता होगी उसमें सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से जो अगली बैठक होगी उस बैठक के अंदर हमें पूरा विश्वास है कि किसान इस बात को समझेंगे। और अगर उनके बावजूद भी किसानों को अगर कोई शंका है तो उसका समाधान करने के लिए भी भारत सरकार तैयार है। और अगर उनको कुछ लगता है कि इस बिल के अंदर और ऐड करवाने की आवश्यकता है तो भी भारत सरकार तैयार है। सरकार इसको लिंगर ऑन करना चाहती है, सरकार को ये मुंगालता है कि अगर हम इसको लिंगर ऑन करेंगे तो आंदोलन अपने आप टूट जाएगा, पर सरकार ये भूल जाए कि आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि धीरे धीरे पूरे देश में आग सुलग रही है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। किसान अब